सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 21st वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ सिंगल रैंडम वेरिएबल एंड टू रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 20 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप MA क्लासेज को क्लिक करें। MA क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। सिंगल रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है ये पहले वाला वीडियो में बताया हुआ है। और ये हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है उससे रिलेटेड हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, यानी टू रैंडम वेरिएबल का। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है और उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेशन अगर निकालना है, मान लो सिंगल रैंडम वेरिएबल x है और इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो क्या करते हैं कि इस x को मल्टीप्लाई करते हैं इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन से, इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर ये रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट रहेगा तो इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये डिस्क्रीट है तो इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर समेशन कर देते हैं और सिग्मा रन करता है x पर, यानी कि जो भी रैंडम वेरिएबल होगा उस पर रन करेगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर x1 x2 x3 डॉट डॉट मान लो xn है तो करना क्या पड़ेगा, एक बार x1 लेना पड़ेगा और fx1 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये, फिर x2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से, और इस तरीके से लास्ट में xn को मल्टीप्लाई करेंगे और fxn से, और इस सभी को ऐड कर देंगे, इसी को हम लोग कहेंगे रैंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेशन। अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उस समय हम लोग इसको निकालते हैं कैसे, रैंडम वेरिएबल x का जो भी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बताता है रैंडम वेरिएबल x का। तो ये रैंडम वेरिएबल x का हो गया, लेकिन अगर कोई फंक्शन है x रैंडम वेरिएबल का और उस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो वैसे केस में क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी निकलता है, सिर्फ अंतर क्या होगा कि यहाँ पर x का निकाल रहे हैं तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में, और यहाँ पर फाई x का निकाल रहे हैं, मतलब रैंडम वेरिएबल x का फंक्शन है तो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से और उसका समेशन करेंगे, अगर ये डिस्क्रीट है तो, और कंटिन्यूस रहेगा तो फाई x को fx से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में, और ये सिग्मा जो है वो रन करेगा x पर। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहा तो ये और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहा तो ये। ध्यान देना यहाँ रैंडम वेरिएबल x का ये फंक्शन है और यहाँ सिर्फ सिंगल रैंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे। तो ये अगर एक फंक्शन है, जैसे सपोज करो ये फंक्शन है हम लोग का 2x² + 1, एक फंक्शन है फाई ऑफ x जो है वो एक फंक्शन होता है x का, तो सपोज करो फाई ऑफ x की जगह यही है, इसी का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 2x² + 1 को जो x का फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से और यहाँ पर समेशन कर देंगे x रन पर रन करेगा ये, या अगर कंटिन्यूस रहेगा तो उस समय इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, किसको 2x² + 1 को उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो सिंगल वेरिएबल की बात था, बिल्कुल ऐसा ही डबल वेरिएबल में भी है, यानी टू रैंडम वेरिएबल अगर रहे तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डिफाइंड किया गया है। जरा डिफिनेशन देखोगे
कि सपोज करो एक्स और वाई जो है वो टू रेंडम वेरिएबल्स है हैविंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अगर वो डिस्क्रीट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर कंटिन्यूस रहेगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो ये जो फंक्शन है अगर ये पीएमएफ या पीडीएफ है तो वैसे केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई, इस फंक्शन का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है, ये रेंडम वेरिएबल एक्स वाई का फंक्शन है तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो कैसे डिफाइन किया गया डिस्क्रीट केस के लिए. एक्सपेक्टेशन जो होगा वो इस फंक्शन में इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डबल सिग्मा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है ना. तो एक में एक्स वैरी कर रहा है, एक्स का वैल्यू जो है वो आई से लेकर के कहाँ तक जाएगा, एम तक, और वाई में जे जो है वो वन से लेकर के एन तक जाएगा. तो इस फंक्शन जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें डबल सिग्मा लगाएंगे, एक में जे वैरी करवाएंगे यानी वाई का जो सफिक्स है उसको वैरी करवाएंगे और एक में एक्स का जो सफिक्स है उसको वैरी करवाएंगे, डबल सिग्मा लगाएंगे और उस सभी को सम कर देंगे तो ये एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा डिस्क्रीट केस के लिए. और कंटिन्यूस केस में बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे, सिर्फ डबल सिग्मा के जगह यहाँ डबल इंटीग्रेशन होगा. ये जो फंक्शन है उस फंक्शन में इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और दो बार इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में. तो ये एक्सपेक्टेशन बता देगा इस फंक्शन का फाई ऑफ एक्स वाई का. जैसे एक एग्जांपल से समझो इसको, जैसे सपोज करो डिस्क्रीट की ही बात करें तो डिस्क्रीट में टू रेंडम वेरिएबल है एक्स जिसका वैल्यू है सपोज करो एक्स वन और एक्स टू, और वाई का जो वैल्यू है वो मान लो सिर्फ वाई वन है, एक ही वैल्यू है. तो वैसे केस में इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे एक्स वाई से. ये क्या बताएगा, यहाँ पर हम लोग जो कम्बिनेशन बनता है एक्स और वाई का वो सभी पर निकालना पड़ेगा. जैसे हम लोग अगर एक्स वन और वाई वन पर निकालेंगे, एक्स वन कॉमा वाई वन पर, तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पर. और फिर किसका निकालना पड़ेगा, दो ही कम्बिनेशन बनेगा, एक एक्स वन वाई वन और एक एक्स टू वाई टू. तो एक्स टू वाई टू पर भी ये निकाल लेंगे हम लोग, एक्स टू वाई टू पर. तो ये क्या बताता है, एक्स टू वाई वन पर निकालना है, राइट, एक्स टू वाई वन पर. तो इस पर भी निकाल लेंगे. ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है. कौन सा प्रोबेबिलिटी बताता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वन वाई इक्वल टू वाई वन. और ये भी प्रोबेबिलिटी बताता है एक्स इक्वल टू एक्स टू और वाई इक्वल टू वाई वन, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है. अब अगर मान लो एक फाई फंक्शन है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फंक्शन, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रेंडम वेरिएबल का ये फाई फंक्शन है, सपोज करो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. अब इसका हम लोग को एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई का निकालना है, यानी कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का निकालना है. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे कैपिटल एक्स वाई कैपिटल वाई लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से. जो भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा एक्स वाई का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसको हम लोग सम कर देंगे. तो एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर एक्स वन और एक्स टू है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू वाई वन वाई टू है. तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई और वाई के जगह वाई जे, यहाँ पर भी एक्स आई और वाई के जगह वाई जे लिखेंगे और डबल सिग्मा लगाएंगे जिसमें से जे वैरी करेगा वन से लेकर के एम तक, वन से लेकर के एन तक. तो वन से लेकर के वन तक ही, क्योंकि वाई का एक ही वैल्यू है, और आई वैरी करेगा वन से लेकर के एन तक. तो आई का वैल्यू जो है वन से टू तक है, तो वन से टू तक. तो करना क्या है, यहाँ पर एक बार हम लोग एक्स के जगह एक्स वन पुट करेंगे, एक बार एक्स के जगह एक्स टू पुट करेंगे, और एक बार वाई के जगह वाई वन ही पुट करना है, और दोनों को हम लोग सम कर देंगे. जैसे अगर इसका समेशन करें, i इक्वल टू वन टू टू रहने देते हैं, और इसका समेशन करते हैं j का वैल्यू 1 है, तो सिर्फ j का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्स आई यहाँ एक्स आई रहने देते हैं, एक्स आई स्क्वायर प्लस टू एक्स आई और y j, j के जगह यहाँ पर 1 पुट करना है, और यहाँ पर f ऑफ एक्स आई और j का एक ही वैल्यू है सिर्फ 1, तो 1 पुट करेंगे. अब i का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, इसको ऐड कर देंगे. तो i का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, x1 स्क्वायर प्लस 2 x1 इंटू वाई वन,
और यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स वन कॉमा वाई वन, एक ये हो गया। और दूसरा फिर आई की जगह हम लोग टू पुट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो एक्स टू स्क्वायर प्लस टू एक्स टू इंटू वाई वन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई एक्स टू वाई वन। तो क्या करना है हम लोग को, एक बार निकालना है प्रायोरिटी, इस प्रायोरिटी मास फंक्शन निकालना है एक्स वन वाई वन पर, एक्स वन वाई वन पर प्रायोरिटी मास फंक्शन निकालना है। और जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन, उस फंक्शन को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। किस पर मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स वन वाई वन पर। एक्स वन वाई वन पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उस फंक्शन को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्रायोरिटी मास फंक्शन से। फिर एक दूसरा प्रायोरिटी मास फंक्शन एक्स टू वाई वन है, तो एक्स टू वाई वन फंक्शन जो प्रायोरिटी मास फंक्शन है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन से। तो इस फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पर निकालेंगे? इसी एक्स टू वाई वन पर निकालेंगे। देखो एक्स टू स्क्वायर प्लस टू एक्स टू इंटू वाई वन है, और ये दोनों का सम कर देंगे तो ये बता देगा इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर जरा ध्यान देना कि x का दो वैल्यू था, कम्बिनेशन जब बनाएंगे तो हमारा दो कम्बिनेशन बनेगा x1 y1 और x2 y2। तो दोनों पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? प्रायोरिटी मास फंक्शन निकाल लेंगे और इस प्रायोरिटी मास फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे जिस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना है उस फंक्शन से। और किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट x1 y1 पर। x1 y1 पर पॉइंट का जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग दूसरा जो प्रायोरिटी मास फंक्शन है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी फंक्शन से। और किस पॉइंट पर? x2 y1 पर। तो x2 y1 पर फंक्शन का वैल्यू ये, और दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये बता देगा इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन बता देगा। तो ये टू रेंडम वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन है, दो रेंडम वेरिएबल एक्स वाई है उसका कोई फंक्शन है, तो उसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए इसी तरीके का काम करेंगे कि प्रायोरिटी मास फंक्शन जो है उसमें हम लोग फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और डबल सिग्मा लगाएंगे, दो बार इसको ऐड करेंगे, एक बार जे वैरी करेगा और एक बार आई वैरी करेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से डिफाइंड किया गया है कि एक्स वाई जो है वो दो रेंडम वेरिएबल है, इसका ये प्रायोरिटी मास फंक्शन है, और प्रायोरिटी मास फंक्शन को इस फंक्शन से, जिस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना है प्रायोरिटी मास फंक्शन को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और डबल सिग्मा, इसमें एक में जे वैरी करेगा एक में आई वैरी करेगा, और ये जो समेशन आएगा यही समेशन इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन बताएगा। और वही कंटिन्यूस में प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन होगा ये, इसको प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे, और इसको इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और डबल इंटीग्रल करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये एक्सपेक्टेशन बताएगा इस फंक्शन का। तो सिंगल वेरिएबल में जैसे होता है सिंगल रेंडम वेरिएबल में, वैसे ही टू रेंडम वेरिएबल के लिए डेफिनेशन है ये। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इफ सी इज कॉन्स्टेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। मीन्स अगर किसी रेंडम वेरिएबल में सी मल्टीप्लाई कर है और उसके बाद उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो सी कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर हो जाएगा और सिर्फ हम लोग एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, यानी एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल करके सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। कैसे इसको प्रूव करते हैं? जब भी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ दो रेंडम वेरिएबल है, एक कंटिन्यूस हो सकता है एक डिस्क्रीट हो सकता है, तो दोनों के लिए हम लोग प्रूफ करके चलते हैं। तो जैसे इसका प्रूफ हम लोग करते हैं डिस्क्रीट के लिए, पहले करते हैं डिस्क्रीट केस में क्या हो सकता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो डिस्क्रीट केस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स, अब इसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है? जिस फंक्शन का निकालना हो, सिंगल रेंडम वेरिएबल के बारे में एक्सपेक्टेशन के बारे में बता चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना है, ये एक्चुअली एक फंक्शन ही हो जाएगा एक्स का, तो ये फंक्शन का अगर निकालना है तो इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रायोरिटी मास फंक्शन से। प्रायोरिटी मास फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं और यहाँ पर समेशन देते हैं आई का वैल्यू जो भी हो, वन से लेकर के अगर एन है तो वन से लेकर के एन तक। तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा डिफरेंट डिफरेंट रेंडम वेरिएबल पर, और उसके प्रायोरिटी मास फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका समेशन कर देते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन बताता है फाई एक्स का। तो इसी तरीके से अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो समेशन होगा ऑफ सी इंटू एक्स आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रायोरिटी मास फंक्शन से। तो ये एफ ऑफ एक्स आई, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा हुआ, ये प्रायोरिटी मास फंक्शन बता रहा है, और आई इक्वल टू वन टू एन। अब ये समेशन है और यहाँ सी कॉन्स्टेंट है,
तो ये कांस्टेंट जो है वो समीकरण से बाहर जा सकता है, तो c को हम लोग बाहर कर देंगे और i इक्वल टू वन टू n x i f ऑफ x i, यहाँ पर कैपिटल x है। जरा ध्यान देना, जो एक्सपेक्टेशन बताए हैं या एक्सपेक्टेशन पहले लिखा हुआ होगा वो तुम्हारा शायद कुछ ऐसा होगा कि किसी भी रेंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, पी आई इंटू एक्स आई होगा, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि x, यहाँ सबसे पहले एक्स आई लिख देते हैं उसके बाद पी आई लिखते हैं, तो x का अगर रेंडम वेरिएबल का वैल्यू अगर x1 है उसको प्रायोरिटी p1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का रेंडम वेरिएबल का वैल्यू अगर x2 है तो उसके प्रायोरिटी p2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जहां तक भी जा रहा है लास्ट xn pn वो सभी को ऐड कर देंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन बता रहा है, और जरा समझो इसको कि ये pi क्या बताता है। pi प्रायोरिटी बताता है, किस पॉइंट का प्रायोरिटी बताता है, x इक्वल टू एक्स आई का, और इसी को ना प्रायोरिटी मास फंक्शन कहते हैं, और इस प्रायोरिटी मास फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स आई भी लिख सकते हैं। तो ये जो पी आई जो लिख रहे हैं उसी के बदले यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आई लिखा हुआ है, ये प्रायोरिटी मास फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे इस तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई और पी आई के जगह हम लोग इसका प्रायोरिटी मास फंक्शन लिख सकते हैं ये वाला। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो एक्सपेक्टेशन हो गया, किसका एक्सपेक्टेशन हो गया, रेंडम वेरिएबल एक्स का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, सी रहने दो, ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेशन किसका हो गया, एक्स का, कैपिटल एक्स का। तो यही प्रूफ करना था, ये सिंपल सा प्रूफ है इसका। दूसरा हम लोग ले रहे हैं कंटिन्यूस केस, तो कंटिन्यूस केस में हम लोग कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल लेंगे, तो वहाँ पर अगर किसी भी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो उसके लिए उस फंक्शन का जो भी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन से, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर सी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर होता है तो कांस्टेंट बाहर कर दिया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ सॉरी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर कैपिटल एक्स बता रहा है, रेंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। अब जरा समझो इसको कि ये इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन के डेफिनेशन से ये जो है वो एक्स रेंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एक्स में और उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो ये कांस्टेंट बाहर हो सकता है, सिर्फ क्या करेंगे एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल करके उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों का प्रूफ हो गया, डिस्क्रीट केस में भी और कंटिन्यूस केस में भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ टू रेंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। दो रेंडम वेरिएबल है उसके सम का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। दोनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे उसके बाद फिर उसका सम कर देंगे। क्या मीनिंग हुआ, जैसे इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको कि इफ एक्स एंड वाई आर टू रेंडम वेरिएबल्स, दो रेंडम वेरिएबल एक्स वाई है, तो देन प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। दो रेंडम वेरिएबल एक्स और वाई का सम करके उसका एक्सपेक्टेशन निकालें, या दोनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल देते हैं और उसका सम कर देते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, ये प्रूफ करना है एक्सपेक्टेशन में। तो ये दोनों केस में हम लोग प्रूफ करेंगे, डिस्क्रीट केस के लिए भी और कंटिन्यूस केस के लिए भी। तो डिस्क्रीट केस के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज करते हैं कि एक्स वाई जो है वो दो डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल्स है विथ जॉइंट प्रायोरिटी मास फंक्शन, इसका ये प्रायोरिटी मास फंक्शन हो गया। और प्रायोरिटी मास फंक्शन क्या हो गया, जरा समझोगे इसको कि ये जो है एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ पर डिनोट कर रहा है ये रेंडम वेरिएबल को। तो प्रायोरिटी मास फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, ये बताता है प्रायोरिटी, किसका प्रायोरिटी बताता है, एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स और वाई इक्वल टू स्मॉल वाई का, जिसको हम लोग यहाँ पर अगर एक्स आई और वाई जे रहा तो उसको कैसे डिनोट किए थे, पी आई जे से, इस तरीके से भी डिनोट किए थे। तो ये जो है ये बता रहा है प्रायोरिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स और वाई इक्वल टू स्मॉल वाई का। तो ये हो गया जॉइंट प्रायोरिटी मास फंक्शन, और इसका मार्जिनल प्रायोरिटी मास फंक्शन भी ले रहे हैं। तो मार्जिनल प्रायोरिटी मास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा हुआ, मतलब ये कैपिटल एक्स रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल प्रायोरिटी
मास फंक्शन है और ये कैपिटल वाई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी पहले बता चुके हैं कि ये बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है एक्स इक्वल टू एक्स का और वाई क्या होगा, वाई का सारा वैल्यू होगा। तो वाई का सारा वैल्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वाई का सारा वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, पी एक्स इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू वाई, जहाँ पर समीशन जो है वो रन करेगा y पर। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है रेंडम वेरिएबल x का, इसमें हम लोग x का वैल्यू फिक्स कर देंगे स्मॉल x, लेकिन कैपिटल y का जो वैल्यू होगा वो सारा y का वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। अगर इसको तुमको लिखना हो इस तरीके से में f ऑफ x i, अगर i j जो सफिक्स है उसमें अगर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको p ऑफ x इक्वल टू एक्स आई और y इक्वल टू वाई जे, जहाँ पर j वैरी करेगा 1 से लेकर के n तक, यानी कि y का सारा वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई पहले, और y इक्वल टू वाई वन लेंगे एक बार, सबसे पहले j के जगह 1 पुट करते हैं, फिर j के जगह 2 पुट करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स आई ही रखेंगे, ये फिक्स रखेंगे, लेकिन y का वैल्यू हम लोग अब ले लेंगे y2। और इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू एक्स आई ही रखेंगे और y का जो वैल्यू रखेंगे वो y n तक रखेंगे। ये सभी के प्रोबेबिलिटी को सम कर देते हैं तो ये रेंडम वेरिएबल एक्स आई का ये प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये इसी को कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो क्या करना है, एक्स आई को तो फिक्स रखना है, लेकिन वाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, वाई का सारा वैल्यू लेंगे, वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एन। तो इसी के सम को हम लोग ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे। इसी तरीके से अगर तुमको निकालना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सिग्मा, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे एफ वाई ऑफ वाई जे, अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ लिखे हैं उसी तरीके से लिखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी बताएगा एक्स इक्वल टू एक्स आई वाई इक्वल टू वाई जे, जहाँ पर एक्स आई का मतलब रेंडम वेरिएबल एक्स का सारा वैल्यू रखेंगे, यानी कि आई का वैल्यू वन से लेकर के एम तक, वाई जे तो फिक्स रखेंगे, और एक बार यहाँ पर एक्स वन पुट करेंगे, फिर एक्स टू पुट करेंगे, एक्स एम पुट करेंगे इसी तरीके से, और सभी का सम कर देंगे तो ये बताएगा रेंडम वेरिएबल वाई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये सारा कुछ बताया हुआ है पहले, अब जरा ध्यान देना यहाँ पर कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो दो रेंडम वेरिएबल है जिसका ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये स्मॉल एक्स का है, सॉरी ये रेंडम वेरिएबल एक्स का है और ये रेंडम वेरिएबल वाई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी रेंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन कर देते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन रेंडम वेरिएबल एक्स का देखना पड़ेगा, तो रेंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन यही है। तो एफ ऑफ एक्स आई कैपिटल एक्स, यहाँ पर रेंडम वेरिएबल एक्स का ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मीन्स एक्स का ही रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को उस रेंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लोग सम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन बता देता है। फिर इसी तरीके से अगर वाई रेंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है, यहाँ पर मार्जिनल वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ज्वाइंट में था ना इसीलिए, लेकिन ये वाई रेंडम वेरिएबल का ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताता है। तो वाई रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे वाई जे से और जे का वैल्यू वन से लेकर के एन तक सभी मतलब ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे ये, तो ये जो है वो एक्सपेक्टेशन बता देगा रेंडम वेरिएबल वाई का। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई का। तो एक्स प्लस वाई का अगर निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो फंक्शन है एक्स आई प्लस वाई जे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्स आई वाई जे और इसका समेशन करेंगे, तो इसका जो समेशन होगा वो दो बार समेशन होगा, एक में आई का वैल्यू वन से लेकर के एम तक और एक में जे का वैल्यू वन से लेकर के एन तक वैरी करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया एक्स प्लस वाई का, दोनों रेंडम वेरिएबल है तो ज्वाइंट हो जाएगा, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग लेंगे। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन, सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एम रहने देते हैं, ये इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई एफ ऑफ एक्स वाई
एक्स आई कॉमा वाई जे और प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करके उसमें सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा डबल सिग्मा है, आई इक्वल टू वन टू एम, जे इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर वाई जे में भी मल्टीप्लाई करेंगे इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को एक्स आई कॉमा वाई जे को। अब क्या करते हैं जरा समझो, इसमें सबसे पहले हम लोग सिग्मा जे वाला लगाते हैं, तो ये इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आई इक्वल टू वन टू एम को पहले लिख सकते हैं और यहाँ पर आई वाला वैरी कर रहा है तो एक्स आई को बाहर कर देते हैं और सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन को अंदर रखते हैं और यहाँ पर लगाते हैं इसमें एक्स आई वाई जे। जरा ध्यान देना, ये सिग्मा में जे वैरी कर रहा है तो जे वैरी कर रहा है तो एक्स आई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स आई जो है उस इस सिग्मा से हम लोग बाहर कर सकते हैं और इसका समीशन पहले कर लेंगे, फिर बाद में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर समीशन करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पर वाई जे को बाहर कर दो तो सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन, इस समीशन से वाई जे को बाहर कर रहे हैं, इसमें आई वैरी कर रहा है जे नहीं वैरी कर रहा है तो वाई जे कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा और इस समीशन में आई वैरी कर रहा है वन से एन, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई रखेंगे एक्स आई कॉमा वाई जे। अब जरा ध्यान देना, ये सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एम रहने दो, एक्स आई भी रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ये जरा समझोगे। यहाँ पर ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जिसमें एक्स आई तो फिक्स है लेकिन जे वैरी कर रहा है वन से एन तक, यानी सारा जे का वैल्यू यहाँ पर ले लिया गया है और सारे जे का वैल्यू को हम लोग ले करके उसको ऐड कर देंगे तो ये बताएगा एक्स आई का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे निकाल रहे थे, एक्स आई को तो फिक्स रख रहे थे लेकिन वाई का वैल्यू जो है वो सारा वैल्यू ले रहे थे, वाई वन वाई टू वाई थ्री जितना भी वैल्यू है सब वैल्यू ले रहे थे और उसके बाद इसका सम कर रहे थे, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बता रहा था। वही चीज़ यहाँ पर है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखे हुए हैं लेकिन ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में नहीं, यहाँ पर क्या है फंक्शन के फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के फॉर्म में है। लेकिन देखो तुम, जे का वैल्यू जो है वो वन से लेकर के क्या हो रहा है एन तक वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर भी जे का वैल्यू जो है वो वन से लेकर के एन तक वैरी कर रहा था और एक्स आई जो है वो फिक्स था, यानी सभी का प्रोबेबिलिटी लेकर के वाई का जितना भी वैल्यू है सभी का प्रोबेबिलिटी लेकर के इसको ऐड करते रहते, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बता रहा था एक्स आई का, एक्स आई फिक्स है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जे का वैल्यू वन से लेकर के एन तक है, यानी कि वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट डॉट वाई एन सभी का वैल्यू लेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो ये बताएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एक्स रैंडम वेरिएबल का, और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स आई और यहाँ पर कैपिटल एक्स लिख देंगे। इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन रहने देते हैं और वाई जे भी रहने दो। इस समेशन को पहले देखो, इस समेशन को क्या हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है, देखो आई वैरी कर रहा है वन से लेकर के एम तक, यानी एक्स का सभी वैल्यू लिया जा रहा है, एक्स का वैल्यू एक्स वन भी लेंगे एक्स टू भी लेंगे डॉट डॉट एक्स एम भी लेंगे और सभी का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बताता है। किसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बताता है, रैंडम वेरिएबल वाई का। यहाँ पर वाई जे फिक्स रखेंगे लेकिन एक्स का सारा वैल्यू ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एम, कुछ ऐसा ही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर देखो एक्स आई जो है उसमें आई वैरी कर रहा है वन से लेकर के एन तक, यानी कि एक्स का सभी वैल्यू ले रहे हैं लेकिन वाई जे जो है वो फिक्स है, तो ये बताएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और किस रैंडम वेरिएबल का बताएगा, वाई रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि एक्स का तो सभी वैल्यू ले चुके हैं तो वाई रैंडम वेरिएबल का बताएगा। तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ वाई जे, जहाँ पर ये रैंडम वेरिएबल वाई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। अब जरा ध्यान देना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और ये क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर शुरू में लिखे हुए हैं, ये बता रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हम लोग का डिस्क्रीट केस में। अब बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यूस केस में भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, आई इक्वल टू वन से लेकर के एम तक होगा, लिमिट जो है
आई वेरी कर रहा था वन से लेकर के एम तक, और जे वेरी कर रहा था वन से लेकर के एन तक, तो यहाँ पर एम होगा। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये समेशन नहीं, यहाँ ई होगा, एक्सपेक्टेशन होगा, तो ई ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यूअस केस के लिए भी प्रूफ करते हैं इसको। डिस्क्रीट केस के लिए तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, अब कंटिन्यूअस केस के लिए आते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक्स वाई जो है वो टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है विथ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंटिन्यूअस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, तो ये एक्स वाई का प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स रैंडम वेरिएबल का ये हो गया और वाई रैंडम वेरिएबल का ये हो गया। तो ये ऑलरेडी पहले बताया गया है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स रैंडम वेरिएबल का जो होता है वो इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है, यानी कि करना क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। एक्स का अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है तो एक्स का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, लेकिन वाई का वैल्यू जो भी पॉसिबल हो सकता है तो वो सारे वैल्यू को हम लोग लेकर के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये x का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताएगा। और उसी तरीके से y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि x का सारा वैल्यू ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं x प्लस वाई का। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई, कैसे डिफाइंड किया गया है टू रैंडम वेरिएबल का, इसको डिफाइंड किया गया है दोनों का वैल्यू हम लोग ले लेंगे x प्लस वाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो फंक्शन है x प्लस वाई फंक्शन है दो रैंडम वेरिएबल का, तो उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको इंटीग्रेट करते हैं दो बार, डबल इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर एक बार करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये डबल इंटीग्रल जो कर देते हैं वही एक्सपेक्टेशन होता है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल, ये अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, इसको भी अलग इंटीग्रेट कर देते हैं डी एक्स इंटू डी वाई, और ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी इंटीग्रेट करते हैं। तो डबल इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई के साथ, वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो x जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो x को हम लोग बाहर कर देते हैं इस इंटीग्रेशन से, और इसको पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ रेंडम वेरिएबल कैपिटल x कैपिटल y है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ये जो इंटीग्रल आएगा ये वाला, हम लोग x को बाहर कर दिए और इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, और उस इंटीग्रल को फिर x से मल्टीप्लाई करके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या किए हम लोग, पहले फर्स्ट में x के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए और dx को बाद में लिखे, ये जो है वो इसके लिए हुआ, इस इंटीग्रल के लिए यहाँ पर dx लिखा हुआ है और इस इंटीग्रल के लिए यहाँ dy लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर करते हैं, इसमें हम लोग पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो y को हम लोग बाहर कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, और इसका जो भी इंटीग्रल होगा उसको y से मल्टीप्लाई करके फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जरा ध्यान देना, अभी हम ऊपर में लिख चुके हैं कि ये x तो रहने दो, और ये जो इंटीग्रल है ये क्या बता रहा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यही इंटीग्रल है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया तो इसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया x का, और ये x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करना बाकी है। फिर इसी तरीके से अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y रहने देते हैं, और ये जो इंटीग्रल है जिसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे वो क्या बता रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा है, किसका बता रहा है, y रैंडम वेरिएबल का। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, f ऑफ y, ये रैंडम वेरिएबल y का है।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, क्या ये एक्सपेक्टेशन है? किसका एक्सपेक्टेशन है? रैंडम वेरिएबल एक्स का। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स को मल्टीप्लाई किया गया उसके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से और उसको इंटीग्रेट किया गया है, तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई। वाई को उसके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया गया, तो दिस इज इक्वल टू रैंडम एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई। तो यहाँ पर यही प्रूफ करना था कि ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। अगर सवाल देता है कि प्रूफ दैट दिस, तो हम लोग दोनों केस में प्रूफ करेंगे, कंटिन्यूस केस में भी और डिस्क्रीट केस में भी। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि प्रूव दिस रिजल्ट फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो सिर्फ कंटिन्यूस के लिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तब नहीं मेंशन किया हुआ है, तो फिर हम लोग दोनों केस के लिए प्रूफ करेंगे। अब हम लोग कुछ इसका कोरोलरी देखेंगे। तो कोरोलरी में सबसे पहला अभी हम लोग ये देखे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई अगर रहे, तो ये दोनों का एक्सपेक्टेशन का सम हो जाता है, एक्स का भी और वाई का भी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस रहे, ई ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों के डिफरेंस, दोनों का एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस के बराबर होगा, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई। ये बिल्कुल वैसा ही प्रूफ हो जाएगा। कैसे, जरा समझोगे? ऐसे तो अगर कंप्लीट प्रूफ करना चाहो तो जैसे प्लस के लिए किए उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसी का कोरोलरी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का एक्सपेक्टेशन निकालना है, इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अभी जो पढ़े हैं रिजल्ट, उस रिजल्ट से ये एक्सपेक्टेशन एक्स का भी लग जाएगा, एक्स का एक्सपेक्टेशन होगा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस वाई। यहाँ पर जरा ध्यान देना, ई ऑफ एक्स रहने दो और ई ऑफ माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस वन इंटू वाई। तो माइनस वन कॉन्स्टेंट है, और अभी ये भी पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट अगर रैंडम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहा तो वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन सिर्फ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वाई का। तो ई ऑफ एक्स यहाँ पर रहने देते हैं और यहाँ पर प्लस इनटू माइनस माइनस ऑफ ई ऑफ वाई। तो ये डिपेंडेंट प्रूफ हो गया, उसके साथ उस पर डिपेंड कर रहा है जो पहले दो प्रॉपर्टीज बताएं उस पर। अगर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना चाहो तो बिल्कुल जैसे प्लस वाला का बताएं, समेशन का बताएं, वैसे ही डिफरेंस का बना सकते हो, लेकिन ये डिपेंडेंट है, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ पर ये डिपेंड कर रहा है। एक दूसरा कोरोलरी है, जरा ध्यान देना, नेक्स्ट कोरोलरी है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो क्या करेंगे, ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई। तो ये भी कुछ उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसे ऊपर अभी हम लोग किए हैं। एक रिजल्ट जो यहाँ पर आया था उसी तरीके से इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जरा ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसका, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि दो रैंडम वेरिएबल के सम का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो दोनों में एक्सपेक्टेशन लग जाता है, ए एक्स में भी और ये बी ऑफ वाई में भी लग जाएगा। और इसके पहले जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि कांस्टेंट जो है वो बाहर कर सकते हैं, तो ए को हम लोग बाहर कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो ये भी प्रूफ हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। अब इसी तरीके से जिस तरीके से दो के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन का सम के लिए प्रूफ किए थे, उसी तरीके से हम लोग एन के लिए भी कर सकते हैं, कोरोलरी थर्ड हो जाएगा। तो जरा समझोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो अगर एन रैंडम वेरिएबल एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, हो सकता है किसी भी सिंपल स्पेस में या किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो से अधिक रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है। तो सपोज करो अगर एन रैंडम वेरिएबल है, तो एन रैंडम वेरिएबल है और उसके सम का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन। अगर इस चीज़ को प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, सपोज करो यही क्वेश्चन दिया हुआ, इसको प्रूफ करना है तो कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग टू के लिए प्रूफ कर लेंगे, टू के लिए तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टू के लिए प्रूफ करेंगे और उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर देंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से फिर क्या करेंगे, टू के लिए जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो मान लेंगे कि एम रिजल्ट के लिए वो
सेटिस्फाई है, और फिर m प्लस वन के लिए भी प्रूफ कर देंगे। और अगर m के लिए मान लेते हैं, m प्लस वन के लिए प्रूफ कर देते हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से उस सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो अगर वो प्रूफ करने देता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन का अप्लाई करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन का कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।